नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संघर्ष आईएएस में। मैं लालचंद आज आपको इस सप्ताह में कुछ करंट अफेयर्स के घटनाओं पे बात करेंगे जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के साथ अन्य एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन पे जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो है हर एग्ज़ाम में आज के समय में करंट अफेयर्स से जो है लगभग काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को जो है आपको पढ़ना है और आप डेली जो है करंट अफेयर्स के लिए जो है आप अलग अलग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ से जो है आपको अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है या अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करना जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग जो है काफ़ी समय से हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम के क्षेत्र में, तो आपको जो है वो क्वेश्चन बताएंगे, वो टॉपिक बताएंगे जहाँ से जो है अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आप देखिए शहरी नवाकरण सूचकांक कौन जारी करता है। तो आप इसमें ऑप्शन में देखिए, आपका जो है पहला ऑप्शन जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय है, और इसके बाद जो है नीति आयोग है, दूसरा बी ऑप्शन है, और तीसरा जो है वित्त मंत्रालय है, तीसरा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ए। तो इस सूचकांक को जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो इसके बारे में आप डिटेल आगे देख सकते हैं। शहरी नवाचार सूचकांक शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से जो है यह सूचकांक जारी किया गया था, कि जिससे शहर में जो है नया इनोवेशन का माहौल बने और एक तरफ से एक शहर से दूसरे क्षेत्रों के बीच शहर के बीच में जो है एक तरफ से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, और जिससे जो है शहर में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके, तो इसलिए जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था या इस सूचकांक को जो है जारी किया जाता है। आप बाकी इसके बारे में और डिटेल इसमें आप देख लीजिएगा, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू किया गया था। इसमें देखिए ऑप्शन में 2015 है, 2010 है, 2018 है, 2020। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 2018, ये इसका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल बात करते हैं। यह मिशन जो है 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है बांस की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय आधार रणनीति तैयार करना। तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर ज़्यादातर वनवासी लोग रहते हैं, तो उन लोग का ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है पौधों पे, फसलों पे, इन सारी चीज़ों पे होता है। तो सरकार ने जो है इसको एक बड़े मात्रा पे उत्पादन को बढ़ावा देने, जिससे वहाँ से रोज़गार भी बने, तो इसलिए जो है वहाँ पर इस मिशन को जो है विशेषकर वहाँ पर लागू किया गया है। तो इसको आप डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला ऑप्शन देखिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और दूसरा ऑप्शन है AIIB में जनवरी 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो इसका जो है दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो इसका विकल्प जो है सी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में हम और डिटेल आपको बताते हैं आगे। तो यह बैंक जो है एक तरफ से बहुपक्षीय विकास बैंक है, जहाँ पर जो है बहुत सारे देश मिलके इस बैंक को बनाए, जिससे जो है कोई भी कमज़ोर राष्ट्र हो जो अकेले ही मतलब अपने इंफ्रा को डेवलप ना कर पाए, तो इस बैंक के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता है और वो उस देश में जो है फिर विभिन्न परियोजनाएं लॉन्च की जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में जो है भारत में AI मतलब यही बैंक जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा दिया है। तो इस तरह से अफ्रीकन देश में, अलग अलग देशों में जो है ये बैंक जो है उनको ऋण देती है, तो उससे जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो इसका मुख्यालय आप बीजिंग में है, देख सकते हैं। इस समय इसमें 57 देश हैं,
और 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य जो है अस्थाई बुनियादी ढांचों का निर्माण करना और निवेश में जो है सेवाओं बाजारों को एक तरफ से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जो है बढ़ावा देना है। तो इसका डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, 28 फरवरी है, 14 जनवरी है, 2 अक्टूबर है और 25 दिसंबर है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए, जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रमन प्रभाव क्या है? यह रमन जो है एक तरह से भारतीय वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम सीवी रमन है, और उन 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार इसी की खोज के उपलक्ष्य में दिया गया था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी शुरुआत जो है 1987 में शुरू किया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स किस देश की नीति है? पहला ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है और पाकिस्तान है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा, चीन। चीन जो है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स मतलब एक मोतियों का माला, मतलब जो है भारत को एक तरफ से मोतियों की माला की रणनीति के आधार पे जो है घेरने की इसकी नीति है, और वो जो है विभिन्न राष्ट्रों को माध्यम बना के, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ और मालदीव हुआ, और अफ्रीका के कुछ देश हैं तो तंजानिया हुआ, इस तरह से देशों में जो है एक तरफ से वहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बना के या वहाँ पर निवेश के बहाने जो है वहाँ पर अपनी एक तरफ से उपस्थिति बनाए रखना चाहता है, जिससे जो है ज़रूरत पड़ने पे भारत को जो है एक तरफ से कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। तो इसलिए जो है यह चीन की जो है यह नीति रही है। तो यह 2017 में जो है एक तरफ से चीन ने जुबती में पहला अपना सैन्य सुविधा वहाँ पर अपना डेवलपमेंट किया था, और तभी से जो है ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइट था कि जो है चीन की इस नीति को भारत कैसे काउंटर करे। तो अभी भारत भी कई योजनाओं के माध्यम से जो है, जैसे सागरमाला हुआ और एक तरफ से स्पाइस रूट हुआ, तो इन सारे माध्यम से जो है भारत भी एक तरफ से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। तो बाकी इसका डिटेल आप इसमें देख लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अवसर सूचकांक 2021 रिपोर्ट हाल ही में कौन जारी किया? इसका ऑप्शन देखिए, नीति आयोग है, विश्व बैंक है, UNDP है और लिंक्डइन है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, लिंक्डइन जो है यह है रिपोर्ट जारी करता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल देखते हैं कि यह है क्या। यह एक ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में जो है एशियाई प्रशांत क्षेत्र में जो है 10,000 से अधिक उत्तरदाताओं ने इस रिपोर्ट में जो है एक तरफ से भाग लिया था, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अभी जो कोरोना का समय था उसमें जो है महिलाओं और पुरुषों के रोजगार में जो है भेदभाव किया गया, महिलाओं को जो है रोजगार में जो है उनको कम वेतन दिया गया और उनको जो है एक तरफ से प्रायोरिटी कम दिया गया। तो इन सारे मुद्दों पे जो है यह अपनी बातें रखा है इस रिपोर्ट में। तो आप इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं इसके डिटेल। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हीराकुंडा बांध किस नदी से संबंधित परियोजना है? इसका आप विकल्प देखिए, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और सतलुज नदी है, इसके बाद महानदी है। तो इसका सही विकल्प जो होगा डी होगा, महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं, और गोदावरी नदी जो है दक्षिण में इसको गंगा नदी बोलते हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। और इसके बाद हम डिटेल देखते हैं आगे, हीराकुंडा बांध जो है दक्षिण भारत में जो है जैसे क्या नाम से उड़ीसा हुआ, इन सारे क्षेत्रों में जो है पहले बाढ़ बहुत आता था, तो
तो बाढ़ से जो है बहुत सारी फसलें वहाँ पर नुकसान होता था, तो उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए जो है भारत सरकार ने हीराकुंड बांध को बनाया था, और उसके बाद जो है ये विनाश को रोकने में मदद मिला था। तो इसमें बनाने में जो है एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1937 में जो है इसकी पहल शुरू की गई थी, और इसकी पहली हाइड्रो पावर परियोजना को जो है 1956 में जो है अधिकृत किया गया। तो यह इसकी उपस्थिति जो है बांध की उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर में जो है यह स्थित है। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा के अनुसार हाल ही में भारत के किस विद्युत केंद्र पे किस देश द्वारा हमला किया गया? तो इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन है पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है और बांग्लादेश है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। अभी हाल ही में जो है अमेरिका का एक रिपोर्ट जो है बताया कि चीन जो है भारत के विद्युत क्षेत्रों में, अभी जो है महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर विद्युत केंद्र काफ़ी बंद हो गए थे। तो बताया, ये रिपोर्ट के आधार पे जो है बताया कि चाइना जो है इस चीज़ इस इसमें जो है इसका हाथ था। तो भारत ने जो है अभी हाल ही में बताया कि हम इस स्थिति से जो है निपट लिए हैं, और आगे इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। चाइना जो है एक तरफ से हमारा इस समय काफ़ी प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में हमारे साथ एक तरफ से डेवलप हो रहा है, और हमें वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हर क्षेत्र में जो है एक तरफ से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, और भारत ने भी जो है इसका काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो चाहे सैनिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। अभी हाल ही में जो है भारत सरकार बहुत सारे ऐप्स इसको बंद कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करने के लिए जो है वो साइबर का जो है एक तरफ से मदद ले रहा है कि जो है भारत को हम इस क्षेत्र में जो है पराजित कर सकते हैं। तो आप इसका डिटेल जो है इसमें पढ़ लीजिएगा, वो सारी बातें लगभग वही है जो हम आपको बताए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ध्रुवी उपग्रह प्रमोचन वाहन जिसको हम PSLV बोलते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, भारत का ध्रुवी उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रमोचन वाहन है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। यह एक चार स्तरीय प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में ठोस और दूसरे और चौथे चरण में जो है तरल रॉकेट ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोनों विकल्प सही होंगे, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। इसके बारे में हम आगे भी देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो पहला दूसरा के बारे में हम बात कर चुके हैं, और PSLV की क्षमता जो है 850 किलोग्राम की है, और इसको जो है बढ़ा के 1.9 टन कर दिया गया है। तो PSLV जो है GTO, जिसको हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं, तो चंद्रमा मंगल सहित अंतरिक्ष में लगभग सभी कक्षाओं में पेलोड ले जाने में मदद की है। तो यह PSLV जो है वो हर कक्षा में जो है वो सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो इसकी ये विशेषता है PSLV की। और इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य प्राथमिकता प्रणाली किस देश द्वारा संचालित किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन देखिए, USA है, रूस है, ब्रिटेन है और भारत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ए, USA जो है सामान्य प्राथमिकता प्रणाली जो है ये शुरू किया है। तो यह है क्या, ये सामान्य प्राथमिकता प्रणाली में जो है USA उन देशों को जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको जो है अपने देश में एक तरफ से रियायती दर पे जो है उनका एक्सपोर्ट करता है, अपने देश में जो है आयात करता है एक तरफ से, और जिससे जो है गरीब देशों को काफ़ी इकोनॉमिक्स में काफ़ी फायदा मिल सके। तो भारत को भी जो है इसका बेनिफिट मिल रहा था पहले, और अभी पिछले सरकार जो है ट्रंप सरकार जो है इस परियोजना को जो है भारत के लिए बंद कर दिया। बाकी यह योजना जो है अमेरिका कई देशों के लिए शुरू किया है। तो भारत को बंद करने का जो मुख्य कारण है कि भारत जो है उसके साथ जो है
कई क्षेत्रों में एक तरफ से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो व्यापारिक क्षेत्र में जो है भारत का एक तरफ से बढ़त है अमेरिका पे, और इस वजह से जो है भारत को एक तरफ से बैलेंस करने के लिए वो इस प्रणाली को जो है भारत के लिए बंद कर दिया। तो 2019 में जो है इसको भारत के लिए बंद कर दिया। तो एक तरफ से भारत सरकार इस पे बोल रही है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान तो होगा ही। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें देख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में राइट टू रिपेयर किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो इसका ऑप्शन देखिए, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय संघ है और म्यांमार है। तो इसका सही विकल्प जो होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है यहाँ पर ये राइट टू रिपेयर का एक अहम मसला बन गया था। ये है क्या, इसके बारे में जो है एक तरफ से जो आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन के समय में बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, कूलर हुआ, पंखा, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जब आप खरीदते हैं तो एक तरफ से आपके घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, और आपको जो है कई बार होता है कि हम जो है उसको सोचते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें अगर उसको बनवा लें तो सही हो जाए, तो दूसरा चीज़ें ना खरीदना पड़े। तो इसका ऑप्शन ढूंढने के लिए जो है यूरोपीय क्षेत्र में जो है एक तरफ से दुकान इस टाइप से नहीं मिलते थे कि जहाँ पर आप रिपेयर कर सकें, तो इसलिए जो है वहाँ के लोग जो है कंपनियों से जिससे सामान खरीदेंगे उन्हीं से डिमांड करने लगे कि भाई आप पहले हमें इसका सामान कहाँ मिलेगा, कहाँ पर हम रिपेयर करेंगे उसको पहले आप हमारे अपने वो लिस्ट में बताइए, जिसके आधार पे हम आपके यहाँ सामान तभी खरीदेंगे। तो इस तरह से एक मूवमेंट वहाँ पर चला है यूरोपीय संघ में, और यह मूवमेंट जो है पहले अमेरिका में भी चल चुका था। अमेरिका में जो है वाहनों की काफ़ी बिक्री होती थी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये समस्या आया था। ये लगभग 2012 की बात है, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह से डिमांड चला था। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी चर्चा अभी रहा, और ये 2021 में जो है 17 राष्ट्रों में जो है यह योजना एक तरफ से लागू किया गया यूरोपीय संघ में। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बेस्ट टू वेल्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, यह मिशन अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, बेकार सामग्री के पुनर्चक्रण आदि के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान करने के साथ और उनके विकास उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दी वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। तो इसका ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका सही उत्तर जो है सी होगा। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल देखते हैं। ये पहला पॉइंट, दो पॉइंट इसके बारे में बता दिए। यह मिशन स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहर जैसी परियोजना में मदद करेगा, साथ ही यह एक बृहद आर्थिक मॉडल तैयार करेगा जो देश में अपशिष्ट प्रबंधन को कारगर बनाने के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से व्यवहार भी बनाएगा। एक तरफ से जो है आर्थिक रूप से हम सशक्त भी बनेंगे, और जो हमारे यहाँ मिसमैनेज है अपशिष्ट का तो उसका भी एक तरफ से निदान हो सकेगा। तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बेटर दी कैश अलायंस है, इसका पहला ऑप्शन देखिए, वित्तीय समावेशन का एक प्रयास है। किसानों को ऋण प्रदान करने की एक सुविधा है। बैंकों के बीच ग्राहकों के लिए ऋण प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से जो है आप इसके वर्ड को आप देख सकते हैं, बेटर देन कैश अलायंस। तो आप इसके वर्ड को अगर आप ध्यान से गौर से पढ़ेंगे तो आप इस वर्ड में ही आपका आंसर जो है मिल सकता है, बेटर देन कैश अलायंस। जहाँ पर जो भी कैश अलायंस का मतलब मुद्दा आए और कैश कैश ट्रांसफ़र की बात आए और कैश जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में आने की बात हो, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होगा एक तरफ से वो वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है, वित्तीय समावेशन की दिशा में वो बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ये होगा, वित्तीय समावेशन का एक प्रकार प्रयास है। तो
इसका डिटेल आप देख सकते हैं। BTCA के बारे में जो है, यह सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक साझेदारी भी है, जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने डिजिटल भुगतान को तीव्रता के साथ किया जाता है। तो वही डिजिटल भुगतान एक तरफ से वित्तीय समावेशन की दिशा में काम कर रहा है। और इसके स्थापना में जो है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और ओमिडीआर नेटवर्क तथा बीजा इंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे लोग इसको मिलकर लॉन्च किए थे। और इसकी मेजबानी जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के न्यूयॉर्क, बोगोटा, डकार, ढाका, किगाली, लंदन, मनीला और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा की जाती है। तो ये सारे जो ग्रुप हैं, संगठन हैं, इनके द्वारा जो है इसका एक तरफ से मेजबानी किया जाता है। और इसको जो है 2012 में लॉन्च किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसके बारे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। काली जई मंदिर किस झील में स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, चिल्का झील है, लोकटक झील है, सांभर झील है और बुलर झील है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए, चिल्का झील जो है, ये चिल्का झील में यह मंदिर है। तो चिल्का झील के बारे में आप जान सकते हैं, यह उड़ीसा के तट पे है, उड़ीसा के तट पे जो है। और ये लोकटक झील जो है, ये आपका एक तरफ से वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, आप मणिपुर में आप देख सकते हैं। सांभर झील आपका राजस्थान में है, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से आप इसके डिटेल आगे भी देख सकते हैं। चिल्का झील जो है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा लैगून भी है। और इसके बाद यहाँ पर विभिन्न देशों से जो है कई पक्षी वहाँ पर आते हैं, एक तरफ से टूरिस्ट का वो काफ़ी बड़ा सेंटर भी है वहाँ पर। और 1981 में चिल्का झील को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। तो चिल्का झील में जो है इरावदी डॉल्फिन, एक फेमस जो है भारत का जो है जली जीव भी, इसको जो है दर्जा दिया गया है, तो वो पाया जाता है। और लैगून क्षेत्र में लगभग 16 किलोमीटर लंबा नलबाना द्वीप, ये नलबाना द्वीप जो है को 1987 में जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इस तरह से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सरकार ने लैटरल एंट्री के संदर्भ में आप विचार करें, सरकार का जो अभी लैटरल एंट्री अभी जो है नियम लागू किया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका पहला ऑप्शन देखिए, नीति आयोग द्वारा अपने 3 वर्षीय कार्रवाई एजेंडा में इसकी अनुशंसा किया गया था, तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कर्मियों की नियुक्ति केंद्र सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर की जाएगी, तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही होगा कि वो एक तरफ से वरिष्ठ जो होते हैं सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर उनको जो है नियुक्त किया जाएगा। लैटरल एंट्री में भर्ती होने वाले ये प्रवेशी कार्मिक केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे और जिसमें सामान्यतः केवल अखिल भारतीय सेवाओं के या केंद्रीय सिविल सेवाओं से ही चुने गए नौकरशाह होते थे। तो ये पहले जो इसका सिस्टम था कि जो ये अखिल भारतीय सेवा के जो IAS हो गए, IPS हो गए, तो इन सारे जगह से जो है उनको चुना जाता था। तो अभी जो है सरकार का नया नियम हुआ कि अब जो है हम एक तरफ से इन सारे क्षेत्रों के बजाय दूसरे कॉरपोरेट क्षेत्र से भी जो है हम ले सकते हैं, या कोई विशेषज्ञ हुआ, या कोई प्रोफेसर हुआ, या कोई जो भी, मतलब जो है एक तरफ से अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी जो है हम उनको प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सरकार का नया नियम लागू किया गया। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस तरह से इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बारे में आप डिटेल इसका देख लीजिएगा, लगभग सारी बातें वही बताएं। और ये एक तरफ से अनारक्षित है, मतलब इसमें आरक्षण आपको नहीं लागू किया गया, जैसे अभी जो है
आपको स्कूलों में या नौकरियों में जो है सरकारी नौकरियों में आपको आरक्षण का फायदा मिल जाता है, तो इसमें कोई आरक्षण सरकार ने नहीं व्यवस्था की है। तो इस तरह से जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका विकल्प देखिए, 3 मार्च है और 14 जनवरी है, 2 अक्टूबर है और 25 जून है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका ए, 3 मार्च को जो है वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल और बताते हैं। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 3 मार्च को विश्व के वन्य जीव तथा जंगली वनस्पतियों के जागरूकता फैलाने हेतु संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। और इसमें जो है 3 मार्च 1973 को लुप्त प्राय वन्य जीव और वनस्पतियों प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय, एक तरफ से जिसको हम CITES बोलते हैं, इस पे जो है हस्ताक्षर किया गया। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, साइबर स्वयं सेवक योजना किस मंत्रालय के तहत जारी किया गया? तो इसका विकल्प देखिए, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है और सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। तो इसका जो आप विकल्प देखिए, जहाँ पर भी साइबर स्वयं सेवक, साइबर से संबंधित जहाँ भी बात हो, ये इंटरनल सिक्योरिटी से बात हो, तो आप समझ जाइए कि जो है वो गृह मंत्रालय की बात कराए, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है एक तरफ से आंतरिक समस्या जो होती है उसको जो है मैनेज करने का एक तरफ से इनका दायित्व तो होता है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बात करते हैं। गृह मंत्रालय की साइबर अपराध स्वयं सेवक योजना के बारे में, भारत के साइबर अपराध तंत्र में सुधार हेतु इंटरनेट पे गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए जो है इसको एक तरफ से लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और बाकी इसका आप डिटेल इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, हाल ही में किन दो समाचार टीवी चैनलों को एकीकृत किया गया? तो इसका विकल्प देखिए, राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल है, DD News को राज्यसभा के साथ विलय, और Zee News को DNA चैनल के साथ। तो इस तरह से जो है आप इसका सही विकल्प जो होगा ये होगा, राज्यसभा और लोकसभा को जो है अभी हाल ही में उसको जो है समन्वित किया गया है और उसके जगह पे जो है इसको संसद टीवी मतलब इसका नाम रख दिया गया। तो अब नया चैनल जो है संसद टीवी के रूप में आएगा। और हाल ही में जो है एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को इसका जो है COE बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको PCS से भी और आपके जो है वन डे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में जो है संसद टीवी के नए CEO कौन नियुक्त किए गए। तो इस तरह से जो है आप इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल को अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रीडम हाउस किस देश की संस्था है? पहला ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी है। फ्रीडम हाउस जो है एक तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका की ये संस्था है। तो फ्रीडम हाउस जो है एक तरफ से विभिन्न देशों में जो है लोकतांत्रिक या जो वहाँ पर जो भी सिस्टम है उसके बारे में अपना एक रिपोर्ट जारी करता है कि किस देश में कितना लोकतंत्र है, कितना नहीं है और वहाँ पर कितना लोगों को स्वतंत्रता है। तो इस तरह से अपना रिपोर्ट जारी करता है और हाल ही में जो है इस रिपोर्ट में भारत को एक तरफ से आंशिक रूप से स्वतंत्र मतलब भारत की जो है काफ़ी कम स्वतंत्रता इसको दिया है। और यह जो है 100 में से 67 और दिया है नंबर, जो कि पहले 100 में से 71 नंबर थे। तो जैसे जैसे ये 100 के करीब जाता है नंबर तो वहाँ पर अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, और जैसे जैसे कम जाएगा तो मान के चलिए कि वहाँ पर जो है स्वतंत्रता कम मिल रहा है, इसका ये पैमाना है। तो इसमें जो है भारत को कम नंबर दिया है, जिसके आधार पे जो है भारत सरकार जो है इस पे काफ़ी कड़ी टिप्पणी की कि ये फ्रीडम हाउस जो है वो सही मूल्यांकन नहीं किया है,
भारत की नीतियों को जो है गलत रूप से दिखा रहा है। और इसका कहना है कि जो है जो वहाँ पर विपक्षी लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है और वहाँ पर जो है लोगों को अपनी बातें कहने का सही अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से अपना उसका व्यू है और भारत सरकार जो है अपनी विचार कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक देश है और हम एक तरफ से स्वस्थ हैं, जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हम जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी चर्चे में रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य जिसको हम फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं, तो यह क्या है या किस फसल पे लागू किया जाता है? तो इसमें देखिए धान है, मोटे अनाज है, गन्ना है, कपास है। तो इसका सही विकल्प जो होगा सी होगा। गन्ने के लिए जो है सरकार ये EFRP लागू करती है और यह एक तरफ से MSP की तरह ही होता है जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो उसी तरह से एक इसके लिए अलग सिस्टम बनाया गया, तो इसके बारे में आप इसमें डिटेल देख लीजिएगा। गन्ना किसान जो है वो काफ़ी हमेशा आंदोलन करते रहते हैं कि भाई हमें गन्ने का सही दाम नहीं मिल पाता है या चीनी मिल जो है वो अपनी अलग समस्या बताते हैं। तो उन सारे समस्याओं को ध्यान में रख के जो है सरकार यह योजना को जो है लॉन्च किया था जिससे जो है किसानों की समस्या को दूर किया जा सके। तो इसके बारे में जो है आप इसको डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सामुद्रिक स्थानिक योजना किन दो देशों के बीच में शुरू किया गया? तो इसका पहला देखिए भारत और नॉर्वे है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन और रूस है और चीन और पाकिस्तान है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ए होगा। भारत और नॉर्वे के बीच में हाल ही में जो है सामुद्रिक स्थानिक योजना को शुरू किया गया था। तो इसका डिटेल आगे हम और देख सकते हैं। भारत और नॉर्वे के अगले 5 वर्षों के लिए सामुद्रिक स्थानिक योजना को संयुक्त रूप में जो है इसको लागू किया जाएगा और यह 2019 में दोनों देश के बीच एक समझौता के तहत इसको शुरू किया गया था। परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पांडिचेरी की जो है पहचान किया गया। तो इस तरह से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 किस देश द्वारा मेजबानी की गई? तो इसका विकल्प देखिए भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमीरात है और रूस है। तो इसका सही विकल्प जो होगा संयुक्त अरब अमीरात, ये संयुक्त अरब अमीरात इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है हाल ही में मतलब इसको जो है अपने यहाँ मेजबानी किया है और इसको एक तरफ से वहाँ पर शुरुआत किया। तो भारत जो है पहली बार जो है ये मिडिल कंट्री में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसमें विशेष बात ये रहा कि वहाँ पर जो है चाइना, भारत और ये फ्रांस, अरब, दक्षिण कोरिया बहुत से जो है भारत के विपक्षी भी और सहयोगी भी जो है उसमें भाग लेंगे। तो वहाँ पर भारत जो है अपना एक तरफ से हथियारों का अपना प्रदर्शन दिखाने का एक अच्छा जरिया माना जाता है और जिससे जो है हम भारत और पाकिस्तान और चाइना को एक तरफ से बता भी सकते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। तो इस तरह से जो है इसको देखा जा रहा है, एक तरफ से भारत की जो है डिप्लोमेटिक बढ़त के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ये एक अच्छा अवसर है भारत के लिए। तो इस तरह से जो है आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जी दोस्तों, आप लोग संघर्ष करिए, मेहनत करिए और कभी रुकिए मत, लक्ष्य पे आगे हमेशा बढ़ते रहिए। चाहे जितना भी ठोकर आए हमेशा जो है अपना लक्ष्य सामने रख के चलिए। तो जीवन में जो है कभी भी निराश नहीं होना और हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसको जो है आप खुद देखिए, दूसरों को भी जो है शेयर करिए जिससे आपका साप्ताहिक नॉलेज जो है दूसरों को भी पहुँच सके। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में जो है हमेशा संघर्ष का आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके।